तो आओ बेटा, आज हमारा आपको ये बात दोबारा याद ना दिलानी पड़ेगी। एक वीक में दो ही पीरियड होते हैं, उसमें से एक इस बार लगा नहीं है और काम हमारा काफी ज्यादा है। सो आइए, आप वेरिएशन ऑफ जी विद द साइज ऑफ द अर्थ की बात कर रहे थे करने को, साइज एंड शेप, है ना बेटा? वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद, क्या हो रहा अभी, हेमिलन, व्हाट इज दिस हैपनिंग? इमेजिन कर लीजिए, ये आपका अपना प्लेनेट अर्थ है और जैसे आप ऑलरेडी जानते हो, लिटिल बिट प्लेजेंट है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपका सेंटर ऑफ अर्थ और ये इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ द अर्थ, ये पोलर रेडियस ऑफ द अर्थ। आप जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे ऑलरेडी निकाल चुके हो, दैट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, है ना? अगर हम जी की वैल्यू निकाल लें पोल्स पर, एट पोल्स जी पी लिख देंगे, पी सबस्क्रिप्ट डाल देंगे, इट विल बी जी एम अपॉन आर पोल इसका स्क्वायर एट इक्वेटर। आपका जो जी का वैल्यू होगा इक्वेटर पे, इट विल बी जी एम अपॉन आर इक्वेटर का स्क्वायर जी। और डियर चिल्ड्रन, आप ऑलरेडी कर चुके हो, इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर ज्यादा है, बड़ा है ना? इट विल मीन दैट आर इक्वेटोरियल इज मोर देन आर पोलर। रोल नंबर वन कौन है? बैठे रहिए, गुड। इसको इक्वेशन नंबर वन, इसको टू बोल दिया। टू कौन है? थ्री। ओके, इक्वेशन नंबर वन को टू से पुत्र डिवाइड कर देते हैं। वन को टू से आपने कर दिया डिवाइड, क्योंकि हमें कंपेयर करना है, हमने जी निकालना है। एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको पानी पीने जाना है, मान लीजिए, छोटी सी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आप अपने क्लासरूम से चल पड़े, आपको पता है मैंने वहां पानी पीने जाना है। आप मुड़ते मुड़ते इधर उधर जाते हो वहां पे। अगर आपको कोई पूछे कि आप इधर क्यों मुड़े, क्योंकि आपने वहां पहुंचना है, आपको पता है कहाँ पहुंचना है। इसी तरह से हमें जहां पहुंचना है, हम उसके हिसाब से अपने स्टेप्स को एडजस्ट कर रहे हैं। समझ आई बात बच्चों? आपको पता है कि आपने कहाँ पहुंचना है, उसके हिसाब से आप अपने स्टेप्स की अमेंडमेंट्स करी जा रहे हो, राइट बेटा? सो हमने जी की वैल्यू कंपेयर करनी है कि पोल पे ज्यादा है कि इक्वेटर पे। इसका मतलब है कि जी की वैल्यू आपकी जो है पोल पे और इक्वेटर पे लेफ्ट साइड पे आ जानी चाहिए एक्सप्रेशन की। इसमें एक ही है, इसमें भी एक ही, हम दोनों ही चाहते हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग वन बाय द अदर या टू। यस, जी की वैल्यू एट द पोल्स, जी की वैल्यू एट द इक्वेटर, जी एम अपॉन आर पोल का स्क्वायर, जी एम अपॉन आर इक्वेटर का स्क्वायर, राइट? एक्सक्यूज मी राइट? सर, हाँ जी, हाँ जी। सर बोर्ड ना थोड़ा विजिबल नहीं है, लाइट बंद कर सकते हो सर? लाइट बंद करो भाई, लोग बच्चों को बोर्ड नहीं विजिबल, देखो कौन सी लाइट बंद करके काम करता है। ये वाली देखना, सारी नहीं करनी, ये पहली वाली करके देखना बस। बस बेटे, इससे ज्यादा नहीं पॉसिबल हो पाएगा, एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। हाँ थैंक यू सर। जी, हाँ? दिला लो एक।
हाँ जी कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। ये आ गया, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। ये आपका कट गया, दोनों जीएम जीएम से कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास बच्चों क्या बचा, जी की अरे नहीं 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 नहीं, आप सुनिए, आप मत बोलिए। आर इक्वेटर का स्क्वायर, आर पोल का स्क्वायर। राइट हैंड साइड को जरा देखिएगा, मैं अगर ऐसे लिख दूं तो आपको कैसे लगेगा, आर इक्वेटर आर पोल सारे का स्क्वायर। समझ आ रही है ना बात? ये चीज डिनोमिनेटर से बड़ी है, न्यूमिनेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर से बड़ी है। अगर आप किसी बड़ी चीज को छोटी से डिवाइड कर दोगे तो रिजल्टेंट नंबर वन से बड़ा होगा। उसका स्केयर कर दोगे और बड़ा हो जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। सो जी की वैल्यू एट द पोल, जी की वैल्यू एट द इक्वेटर मोर देन वन हो गई। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो अब आइए थोड़ी सी और बात करनी बची है, उसको भी कंप्लीट कर लें। हम इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को उधर ले जाते हैं, राइट साइड पे आपके पास था जी पोल डिवाइडेड बाय जी इक्वेटर मोर देन वन था, और ये भूमिका कुमारी टेंथ भी इधर क्यों आ रही है, ये टेंथ वाले बच्चे इधर क्यों आ रहे हैं। जी एट पोल्स इज मोर देन जी एट इक्वेटर आ गया, यही आपको प्रूव करना था। और अब आप क्या करिए, दोनों तरफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा होती है, थोड़ी सी फर्क है दोनों में। आप जिस भी ऑब्जेक्ट के मास के बारे में बात कर रहे हो, चलो अगर हम अपने आप के बारे में भी बात करें तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। एम ये मास इनटू जी आपको देखा देखा लगता है कहीं पे, कहां देखा? यस गुड। वेट एट पोल्स इज मोर देन वेट एट द, इसको भूलना नहीं है रिलेशनशिप को, राइट। अगर आप किसी वेट को इक्वेटर से पोल्स की तरफ ले जाते हैं तो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है, मियरली बिकॉज वहां पे जी की वैल्यू ज्यादा है, राइट। इसमें वो करेंगे करेंगे करेंगे, अभी रुको, आप अभी बेसिक सा काम कर लें पहले, आपका सारा पॉइंट क्लियर करके फिर ही आगे चलेंगे, चिंता मत करिए। आप कोई भी अपना पॉइंट आपका अनअटेंडेड नहीं जाएगा। अभी प्रेजेंटली हमारे कितने पीरियड होते हैं एक वीक में, लग नहीं रहा, लेकिन आगे लिखिए नया हेडिंग, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, वेरिएशन ऑफ जी हाइट के साथ। ये आपका अपना प्लेनेट अर्थ, देर मत जाना, रेडियस ऑफ द अर्थ, यहां पे एक आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्मॉल एम मास का, अर्थ का मास कैपिटल एम। मास और रेडियस याद है सबको? थोड़ी कम आई है बाबा, ठीक है ठीक है। आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे जब जी निकालते हो आपने ऑलरेडी कर रखा है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब आपने क्या किया भाई, जरा ध्यान से समझते जाना बेटे, इधर उधर देखना बंद कर दो। ये बच्चा दो दो कॉपियां क्यों खोली हुई है आपने, इसको आप एच हाइट तक ऊपर ले गए हैं, यहां पे ले गए हैं, दिस इज द हाइट एच। जब आप अपने ऑब्जेक्ट को यहां पे ले गए हो, इधर देखिएगा अर्थ के सेंटर और आपके ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, आर प्लस एच है, एच थोड़ी है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है टोटल, तो आप एच क्यों कह रहे हैं फिर उत्तर है ये अर्थ की सरफेस से ऊपर ये एरो हेड क्यों बनाया है मैंने, यहां तक आर है, यहां से यहां तक एच है, तो टोटल कितना हुआ, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग बेटा। सो जी की वैल्यू एट ए हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ये बन गया जी एम अपॉन आर, की जगह क्या लिखूं, आर प्लस एच का स्क्वायर, इसको दो नंबर इक्वेशन कह दिया। आपको जी की वैल्यू एट ए हाइट एच निकालनी है, जो चीज निकालनी होती है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, दो नंबर को एक नंबर से डिवाइड कर दें, आ जाएगा कौन वो कह रहा है, क्यों क्यों नहीं आएगा भाई, आपको प्रूव करके बताएंगे, चिंता मत करिए। जी की वैल्यू एट ए हाइट एच, ये क्या कर रहे हैं हम ना, जी की वैल्यू विद हाइट एच, एच नहीं निकाल रहे हम, ये आ गया, ये आ गया जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, ऐसा है बच्चों, रुक जा जरा काटते हैं आपका, आप इतना जल्दी मत किया करो, फिर आपको कहते हैं कि हमारा देखो रह गया जी, आराम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत करिए आप। जी एट ए हाइट डिवाइडेड बाई जी ऑन द सरफेस जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, राइट, कौन सी चीज कट रही है, जी एम कट गया दोनों तरफ, ये लीजिए काट दिया, जी की वैल्यू एट ए हाइट एच जी ऑन द सरफेस रेडियस ऑफ द अर्थ, ये रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट का स्क्वायर, इसको राइट साइड पे ले जाएं। हाँ जी कुछ कह रहा है वो बच्चा है, आर से आर कैसे कट गया भाई, ना ना ये आर में कुछ ऐड भी तो हुआ पड़ा है, आर अकेला थोड़ी है, उसके साथ एक और भी बंदा है, एच भी है, ओए ओए ओए, आप ऐसे देखो, आप ऐसे नहीं करो भाई, थोड़ा सा शांति रखिए, थोड़ा देखिए चीजों को, परखना सीखिए। जी की वैल्यू एट ए हाइट एच आर का स्क्वायर आर प्लस एच का सारे का स्क्वायर इनटू जी कर दें, वाई टू बी इन द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ऐसे रहने दो, यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा ये बताइए, ये नीचे वाली चीज बड़ी है कि ऊपर वाली, ये बड़ी है ना, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, उल्टा बोल गए, लेस देन वन आएगा, ठीक है। सो आइए देखें एक बार फिर आगे चलें, मैं इस इक्वेशन की हेल्प ले रहा हूं बेटा, इसकी ये हमारा यहां तक हो गया, जस्टिफाइड है, आपने निकाल लिया जी एट ए हाइट एच, हम यहाँ पे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइट एच पर जी की वैल्यू इन कंपैरिजन टू द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट विल बी लेस, सो जी एट ए हाइट एच डिवाइडेड बाई जी, आप ये कह रहे हो कि ये छोटा है वन से, इसको ऐसे लिख दो, इस जी को उठाकर इधर ले जाऊं, जी की वैल्यू एट ए हाइट एच इज लेस देन जी ऑन द सरफेस आ गया। अगर आपको वेट निकालना पड़ जाए, एम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
वेट एट ए हाइट एच इज लेस देन द वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आ गया। यहां पे भी आप कर सकते हो, अभी किया नहीं, ऐसे ही ऐसे ही कर रहे हैं। आर का स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर इनटू एम जी, और ये फार्मूला आपका बन गया वेट एट ए हाइट एच, आर का स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर वेट ऑन द सरफेस। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कुछ भी नहीं किया, मास से मल्टीप्लाई कर दिया और कोई नई चीज नहीं, एम इंटू जी को डब्ल्यू लिख दिया, आप ऑलरेडी लिख पे आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं। समझ आ गई बात भाई सबको, बच्चों को? yes, पक्का? yes, सच में? yes, हाँ? और नहीं, ये सेपरेट है, इसको आप मास से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो, इसको मास से मल्टीप्लाई करके इधर लिख लो, जो पेपर में पूछेंगे वहां लिख देना। हाँ? हमने जी की वैल्यू एट ए हाइट एच निकालना था, हमने वेट भी निकाल दिया साथ में, कि अगर आप हाइट पे चले जाओगे तो वेट भी कम हो जाएगा क्योंकि जी कम हो रहा है। चले आगे, कर लो जल्दी से कर लो। ये फॉर्मूला आपका तब लगेगा जब आपके ऑब्जेक्ट का हाइट अर्थ के रेडियस का हाफ है या डबल है या वन फोर्थ है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के ऑर्डर का है, मतलब बहुत बड़ा है। ये फॉर्मूला तब लगेगा व्हेन एच इज वेरी क्या लार्ज, अगर एच बहुत बड़ा होगा तब लगेगा, अगर एच छोटा है तब नहीं लगेगा। अगर आपको कोई कह दे कि अर्थ की सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर चल जाओ तो ये नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, उसके लिए इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये फॉर्मूला आपका तब बेटे लग रहा है जब हाइट एच वेरी वेरी लार्ज है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ है, जो आपकी डेली रूटीन में चीजें हैं आप देख रहे हो, फ्यू किलोमीटर नहीं लेना। अगर आप कह देते हैं कि रेडियस ऑफ द अर्थ का हाफ इतनी हाइट है तो ये लगेगा, इट इज एच शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, 10 की पावर 6 मीटर लगता है ना उसके साथ। लगेगा। लेट अस डिस्कस अनदर फॉर्म, जब हाइट बड़ी कम होगी ना तब वहां पे हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं, हम इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, मैं वही आपको बताने जा रहा था। आप लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिएगा, इफ हाइट एच इज वेरी लेस, If height h is very less, आइए देखिए क्या होगा। If height h is very less, heading लिख लो। अभी अभी आपने निकाला था जी एट ए हाइट एच डिवाइडेड बाई जी ऑन द सर्फेस, इट इज इक्वल टू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, ये किया था, तो ये किया था। इसको आपने आर स्क्वायर और इसको आपने ऐसे करके लिख सकते हैं, पक्का? इसको ऐसे लिख सकते हैं, पर लिख ही सकते हैं, इसको अंदर लेके जाइए, ये आगे एच प्लस आर आ रहा है। हाँ जी, है?
एच फोर नहीं है, एच है। ये ऐसे आर प्लस एच का स्क्वायर था, इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, क्या मैं ठीक लिख रहा हूं? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आर को कॉमन ले लिया और कुछ भी नहीं किया, आर को कॉमन ले लिया और कुछ भी नहीं किया बेटे, मैथ में कॉमन लेना जानते हो आप, तो वही किया है बस, घबराते क्यों हो आप? ऑल वेल, ध्यान दीजिएगा, जी एट ए हाइट, जी ऑन द सरफेस, आर का स्क्वायर, अब ध्यान से देखिएगा। अरे अगर ऐसे लिख दूं तो कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, वही बात है, लेकिन ये थोड़ा सा हम कर सकते हैं अब, है ना। अच्छा एक बात और बताइए बेटा, वन बाई एक्स के स्क्वायर को आप एक्स की पावर माइनस टू लिख सकते होते हैं? लिख देंगे यहां पे भी, जी एट ए हाइट एच, जी ऑन द सरफेस, वन प्लस एच अपॉन आर पावर, क्या लिखूं? आपने कहा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर ये वाली टर्म जो हाइट वाली टर्म है इस टर्म से काफी ज्यादा छोटी हो, इसे कह रहा हूं, अगर ये वाली टर्म इसके कंपैरेटिवली छोटी हो, स्मॉल हो, तो ये पावर अलोंग विद द साइन इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाती है और आपका रिजल्ट सॉल्व हो जाता है। इधर इधर g एट ए हाइट h डिवाइडेड बाई g ऑन द सरफेस, मिलन यहां पे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बना देगी ये, क्या क्या क्या, ये माइनस टू यहां पे आके मल्टीप्लाई हुआ, क्या बना? यस, इसको यहां मल्टीप्लाई करना है, पावर कैसे रह गई अब, तो क्या आया फिर लिखवाओ, बहुत बढ़िया, वन माइनस स्क्वायर नहीं आएगा, टू एच अपॉन आर आएगा, क्लियर है? समझ गए? yes, आप ऑल क्लियर? बिल ये वाला देखो बेटा, किसको निकाला, ये माइनस टू को एच से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बना माइनस टू एच, बात खत्म। आप घबरा जाते हैं, घबरा जाते हैं आप, और कुछ भी नहीं है, है ना, घबराना नहीं है, कल संडे है, इसको दो बार बैठ के लिख के देखना, चाय पीते पीते साथ साथ लिख लेना, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। इसको जी को उधर ले जाएं, जी एट ए हाइट एच, जी ऑन द सरफेस, ये आ गया। ठीक है बेटे, ठीक है, ये आपका जी का वैल्यू एट ए हाइट एच निकल आया, जब आपका हाइट छोटा होगा तब आप इसको यूज कर लोगे, इसको अगर मैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वेट भी आ जाएगा, तो आई विल आल्सो बी गेटिंग दैट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, आइए देखें, m इंटू जी एट ए हाइट h, m इंटू जी वन माइनस टू एच अपॉन आर कर दें, ये mg देखा देखा लग रहा है कहीं पे, आप सब जानते हैं वेट ऑन द सरफेस, ये आ गया, दैट्स इट बेटा, कोई बात है मुश्किल? देखो फिजिक्स कितनी आसान है ना।
चलें आगे आप। हाँ आसान है ना, चलिए फिर आगे चलें। क्या कहता है, मुश्किल करवाना है? नहीं नहीं बेटे, बच्चों को आसान ही लगना चाहिए, अगर बच्चों को मुश्किल लगेगा फिर तो काम खराब है ना। आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वेरिएशन ऑफ जी विद द डेप्थ। वो दोनों गुड़िया एंड में बातें करी जा रही है चुपके चुपके, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ लिखिए। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी डेप्थ, समझने वाला कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका अपना प्लेनेट अर्थ, इसका सेंटर ओ, रेडियस इसका बच्चों आर, कैपिटल आर। यहां पे आपने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, जी की वैल्यू सरफेस पे होती है जी एम अपॉन आर का स्क्वायर होती है, ऐसा है? Yes, आपने कभी डेंसिटी सुना है? वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बेटा, क्या बात है भाई, सुपर सुपर। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, ये लेटर रो, ऐसे लिखना नहीं बोलना है आपने, ये डेंसिटी के लिए सिंबल है, डी नहीं यूज करते, रो होता है, ठीक है? आपने कह दिया कि सर ये मास ओवर वॉल्यूम है, हमने मान लिया आपकी बात, लिख दिया, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा जरा, अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं सेंटर की तरफ, डेंसिटी बदलती जाती है, क्रस्ट की और है, मेंटल की और है, कोर की और है, बढ़ती जाती है ना। हम कह देते हैं कि ये एवरेज डेंसिटी है, एक वैल्यू नहीं है, एवरेज वैल्यू है तीनों की, तभी हम कर पाएंगे जस्टिफाई, नहीं तो अर्थ की डेंसिटी तो फिक्स है नहीं, बदलती रहती है। लेट इट बी द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड इट इज मास ओवर वॉल्यूम। और बच्चों मास ऑफ द अर्थ जो है ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लोगे, है ना? अर्थ का मास फाइंड आउट करने के लिए आपको वॉल्यूम की जरूरत होगी। अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा डियर चिल्ड्रन? स्फीयर का वॉल्यूम बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 4/3 πr³ आपने कहा, आपकी बात मान ली, इसको यहां पे पुट कर दिया। हाँ जी बहुत बढ़िया किया आपने, इसमें मास की वैल्यू डालने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जी आ जाएगा कैपिटल जी अपॉन आर का स्क्वायर इंटू रो इंटू 4/3, ये आ गया, ये आर की 2 पावर है, ऐसे कर दू, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। सरफेस ऑफ द अर्थ पे जी कितना आ गया? 4/3 πgr रो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोल दिया, देखो कोई टर्म ज्यादा या कम तो नहीं हो गई, कोई टर्म ज्यादा या कम तो नहीं हो गई है, वेरी फाइन। यहां पे अब हमने एक होल ड्रिल किया अर्थ की सरफेस पे, और होल आपका डी डेप्थ तक है, डी मीटर्स डीप है। अब आपका ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया, आर पक्का आपने कहा, हमने लिख दिया, सो जी की वैल्यू एट ए डेप्थ डी, जिस जगह पे आर था वहां पे क्या लिख देंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, पाई जी आर माइनस डी रो, इसको 2 नंबर कह दिया। आपको जी एट ए डेप्थ डी निकालना था, अरे वो ही निकालना था, 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, 2 को 1 से डिवाइड करने पे जी एट ए डेप्थ डी
जी ऑन द सरफेस 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो 4/3 पाई जी आर रो 4/3 से 4/3 पाई से पाई जी से जी रो से रो सब खत्म हो गया राइट अब बचा क्या है g एट डेप d g ऑन द सरफेस r माइनस d अपॉन r आप इस बात को मानते हैं अरे साबित कर दिया आप तो मानना पड़ेगा है ना इसको देखिएगा मैं चलो यहीं पे कर देता हूं अच्छा उधर करना है g एट डेप d डिवाइडेड बाय g यस बेटा यहां से मैं r कॉमन ले रहा हूं न्यूमरेटर से और आपके पास बन गया r 1 माइनस d बाई r चेक करिएगा ऐसा हो सकता है कोई देख हाँ हाँ वही करना है ये r से r आपका कट गया g एट डेप्थ d g ऑन द सरफेस 1 माइनस d बाई r आ गया इसको उधर ले जाइए g एट डेप्थ d 1 माइनस d बाई r इंटू जी ऑन द सर्फिस यही आपको चाहिए था आप मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ मास जी एट डेप्थ डी इट इज 1 माइनस डी बाई आर मास जी ऑन द सर्फिस वेट एट डेप्थ डी 1 माइनस डी बाई आर वेट ऑन द कहीं है कोई मुश्किल सीधी सीधी बातें फिजिक्स बहुत आसान Thank you all.